वेलकम बैक टू माय चैनल जसनू की दुनिया। मेरा नाम है जसविंदर और आपको पता ही जैसे कि मेरे चैनल का नाम क्या है, जसविंदर कौर की दुनिया 28। गाइस अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये मेरी मैं अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। हमारे पहले जो सबसे बड़े मेंबर हमारे घर के वो ये हैं। ये कौन है? ये मेरे डैडी जी हैं, यानी कि मेरे ससुर जी। ठीक है, ये मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, और ये मेरी मम्मी है जो कि मेरी सासू माँ है। सेकंड नंबर पे हमारे ये आते हैं मदर लॉ मेरे। ये है मेरी मदर लॉ और ये है मेरे फादर लॉ। ठीक है जी, और आप इनको तो पहचानते ही होंगे, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये कौन है? मेरे सरदार जी। और आप इनको तो ये तो निकल गया। आप इनको भी पहचानते होंगे, कौन है? जसविंदर कौर। और इनके चैनल का नाम है जसविंदर कौर की दुनिया गाइस। ठीक है, ये मेरे सरदार जी हैं और ये मेरे भाई ने मेरे बर्थडे पे, जो मेरा बर्थडे अभी निकला है ना गाइस, मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था। तो ये जो फोटो है ना, ये मेरे भाई के रोके की फोटो है। हम अपने भाई का रोका करने गए थे ना, तो ये फोटो हमने तब खिंचवाई, मतलब खींची थी। तो उसने क्या किया, इसी की हमारे को फ्रेम बना के दे दी गाइस। तो ये मेरे भाई ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था गाइस। आप ये देखिए, ये कौन है? ये हमारी फैमिली है। फैमिली में हमारे कौन कौन है आप ये देखो, आप ये देख सकते हो। ये हमारी कम से कम 5-6 साल पुरानी फोटो गाइस। आप इनको तो जानते ही हो, ये मेरे सरदार जी हैं। आप ये जानते हो, इनका चैनल का नाम है जसविंदर कौर। इनका नाम है जसविंदर कौर, इनके चैनल का नाम है जसविंदर कौर की दुनिया गाइस। और ये मेरी डॉटर है परी, ये मेरी परी है। और अब की परी में देखो और 5-6 साल की परी को देखो, बहुत फर्क आ गया है। और ये इसको देखो कौन है, ये हमारे घर का चिराग है, यानी कि बेटा। बेटा इनका मुँह देखिए, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती खड़ा कर रखा है इनको। फोटो नहीं खिंचवाते ऐसे ऐसे है बंदे। और ये देखिए, ये हमारी फैमिली है। इसमें फैमिली में हमारे, ये हमारी फैमिली फोटो है गाइस। तो अभी लगवाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, घड़ी भी लगा दो भाई, घड़ी तो लग जाएगी यार, यहीं पे लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा गोविंद है। ये जो मेरा गोविंद 1 ईयर का था तब की फोटो है, जब 2 ईयर का था तब की फोटो मेरी। ठीक है गाइस, ये मेरा बेटा है। हो गया क्या? ठीक है, अभी रुक जाओ भाई, एक मिनट। ये मेरी बेटी है, जब मेरी बेटी 1 ईयर की थी तब ये उसकी फोटो है। और अब ये देख मेरी बेटी की फोटो, मेरी छोटी सी थी 1 साल की तब की फोटो ये। ठीक है गाइस, और ये मेरी बेटी की एक और फोटो, मेरी बेटी की ये देखिए गाइस। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, इसकी फोटो देखिए गाइस। देखिए आज मैंने अपनी पूरी फैमिली से आपको मिलवाया और मैं आपको ये फ्रेम लगने जा रहा है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा आलम भाई कैसे लगा है। और ये हमारा घर का सबसे मेन सदस्य है, जो मेरी बेटी की शादी में पूरे घर में लाइट है, ये बंदा लगाएगा इसको। ध्यान से ढूंढ लो, कहीं ढूंढना पड़े तो ढूंढ सके हम। हाय कर दे, हाय हाय फटो लगा भाई, तू टेंशन मत, तू लगा दे भाई, मैं थोड़ा यहां लगा पर पूरी जाओ ऊपर, घर पर कर हां ऊपर थोड़ा जाएगा नहीं, इतना इतना बोलता है सब आएगी फोटो, तीन तक याद आएगी नीचे का। हमारे यहाँ बच्चे नहीं जो चढ़ेंगे नीचे, नहीं जाएगा। चलो पकड़ो दो, आ जाओ पकड़ो इसको, मैं देखो पकड़ो इसको, मैं देखो। अरे हम सब कोई बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यहाँ ना, यहाँ पे मेरे बेटे की फोटो रखा, इसके नीचे हम दोनों के अलग से लगवा लेंगे ना, टेंशन मत ले। जो चीज अच्छी लग रही है ऐसी आंदे, जो चीज नहीं भरना नहीं उसको, तो फिर जो नहीं भरना है अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो लगाएंगे, बिठा लेंगे ना, तो वो लगा लेंगे बस। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, पीछे देखो लगा दे बीच में, यहाँ पर खड़ी है, यहाँ यही पे लगा दे, यही लगा दे, यही लगा दे, यहाँ बीच में कर दे, सेंटर में कर दे, सेंटर में कर दे, सेंटर में कर दे, कमरे में लगा दो। चलो यहाँ लगा तो बड़ी बड़ी हो जाएगा, उस कमरे में तो लगा दो, लगना नहीं फोटो लगा देंगे बस। ये सेंटर में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। घड़ी दूसरी लगाऊंगा, जितना बहुत काम निपटा दिया तुम आज, मशीन खराब होने कब का काम हो पांडे को क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा जरूरी चीज है घंटी, बिना घंटी का आदमी आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, घंटी का आदमी आएगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। जब आएगा नहीं जाएगा कैसे? घंटी या पानी का अलार्म दोनों बहुत जरूरी है। कौन सा आप बता रहे हैं? कौन सा पानी का अलार्म? घंटी। अरे पानी का अलार्म क्यों जरूरी है, एक्सप्लेन करो जरा। पानी का अलार्म जरूरी है कि पानी वेस्ट ना हो। हाँ, और घर में जब कोई आएगा तो पता लग जाए कि कोई आया हमारे घर में, क्यों अलार्म? अलार्म इतना फोन करने के बाद तू आता ना, वो तो होता ही है। छोड़ दे, अरे इसको बिना ना, घंटी दूसरा लगेगा यहां पे। कौन सी घंटी बता? डिंग डोंग लगेगा, डिंग डोंग, डिंग डोंग लगेगा। कल आइए, फिर कल आइए ना, कल दुकान बंद रहेगा, परसों मिलेगा।